आईफोन तो आ गया, अब चेक कैसे करना है कि सही आया या नहीं आया, क्योंकि यार देखो सीधी बात बोलता हूँ, नो बकवास करता हूँ, आईफोन सेल में सही मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इतने सारे आईफोन जा रहे हैं सेल में तो डेफिनेटली कुछ एक आधा अगर गलत आ भी सकता है तो उसका कोई गारंटी नहीं है। तो चेक अपना खुद कर लो, 7 दिन की आपको रिप्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है सर्विस सेंटर के थ्रू फ्लिपकार्ट अमेज़ोन के ऊपर, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, उस टाइम के पीरियड के अंदर ही आप चेक कर लो। अगर अभी अभी आई फोन डिलीवर हुए हैं, कई लोगों के अभी नहीं भी हुए हैं, तो टेंशन मतलब हो जाएंगे यार आपके आईफोन भी डिलीवर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो कर लो, और यार ये सब वीडियोस ना मैं आगे भी लाता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा आईफोन की बहुत जल्दी, आईफोन में ऐप लॉक कैसे करते हैं, कई चीजें वीडियो आने वाली है जल्दी, पाइपलाइन में है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, और हम देखते हैं कैसे चेक करना है हमारा आईफोन, कि जो बॉक्स से निकला ताज़ा आईफोन है ये असली है भी या नहीं है, और कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रिफर्बिश तो नहीं है, वो सब चीज़ें हम फटाक से देख लेंगे। सबसे पहले अपने आईफोन को हाथ में ले लो, फिजिकली पूरा अच्छे से चेक कर लो, कोई डेंट स्क्रैच या कुछ ऐसा इशू तो नहीं देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपरली अच्छे से आपको यहाँ मुआयना करना है अपने आईफोन का, और ढंग से एनालाइज करना है कि कोई इशू तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है किसी तरीके का। तो अच्छे से देखने के बाद आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप जो आपको चेक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीरियल नंबर का स्टेप। तो इसके अंदर जो सीरियल नंबर आपको देखने को मिल रहा है इसको आपने मैच करना है, यहाँ पे क्लियरली आपको सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है, और इसको आपने मैच करना है अपने फ़ोन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ हो जाती है। तो यही जैसे ही मैंने फ़ोन खोला है, अबाउट सेक्शन में गए, सीरियल नंबर को एक्जैक्टली मैच करना है कि सेम है या नहीं है, सेम है, चेक बॉक्स नंबर 2 कंप्लीट। चेक बॉक्स नंबर 3, मॉडल में यहाँ पे एम आना चाहिए, एम का मतलब नहीं होता, इसके अलावा कुछ और होगा तो रिफर्बिश्ड है या फिर जो भी चीज़ है वो डिफरेंट होगा, तो एम आना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर से साथ में आपको यहाँ N/A का देखने को मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं यहाँ क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ, इंडियन आईफोन मॉडल नंबर, इंडियन आईफोन मॉडल नंबर, तो आपको क्लियरली यहाँ वीडियो में ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, इंडिया आईफोन जो होता है उसके अंदर आपको क्लियरली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है और कंपेयर टू बाकी बाहर वाले आईफोन में क्या देखने को मिलता है। तो ये रहा इंडिया का आईफोन, HN यहाँ देखने को मिलेगा, HN के अलावा कुछ और होगा तो वो इंडियन नहीं होगा। देखो HN/A ये इंडियन आईफोन है, आप ये भी देख पाएंगे और M वगैरह वाली चीज़ भी देख पाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने 2-3 चीज़ें देख ली, इसके अलावा आपने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है कवरेज, आपकी एप्पल आईडी साइन इन होगी तो क्लियरली दिख जाएगी, नहीं तो एप्पल की जो वेबसाइट है चेक कवरेज वाली, आपने यहाँ पे जाना है चेक कवरेज, यहाँ पे गए coverage.apple, वहाँ जाके अपने अपना डालना है सीरियल नंबर और डाल देना है और चेक कर लेना है, अगर एक्टिवेटेड है तो सही है क्योंकि अभी आपका एक्टिवेट हो चुका है फ़ोन, अगर आपका एक्टिवेटेड के बिना चेक करना चाहें तो पहले ही चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है और सही रहता है। इसके अलावा और एक चीज़ जो आपने चेक करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखना है IMEI नंबर, *#06#, IMEI नंबर जो आ जाएगा वो एक्जैक्टली आपका होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मतलब नकली डिवाइस भी हो सकता है, तो IMEI नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यहाँ चेक करनी है अपने फ़ोन के अंदर। इसके अलावा ये चेक करने के बाद आपने देखना है कि आपके फ़ोन का ट्रू टोन जो आपको दे रखा है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैनल आपका असली होगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपने यहाँ पे फेस आईडी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे गए फेस आईडी का, आप यहाँ पे जाके सेटअप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पासवर्ड जो सेट कर रखा है बहुत सिंपल है, अच्छा सा पासवर्ड सेट करिए, जगह गेट गेट आईडी करके हेलो, तो यार ये आप सेटअप कर सकते हैं, फेस आईडी आपकी हो जाएगी सेटअप बढ़िया, और उसके बाद आप चेक कर पाएंगे हाँ जी सेटअप हो रही है एकदम ठीक है। तो आपने बेसिक स्क्रीन चेक कर ली है, फेस आईडी चेक कर ली है, ये एरिया चेक कर लिया है, सेंसर चेक हो गए आपके कुछ हद तक, वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा एक एप्पल की अपनी ऑफिशियल, मतलब एप्पल की ऐप नहीं है, मतलब एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उससे आप सारी रन करके देख सकते हैं सेंसर एंड ऑल, तो उसके अंदर उस ऐप का नाम भी मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा कि कौन सी ऐप है, वो आप देख सकते हैं, तो वो ऐप आपके डेफिनेटली यहाँ पे काम आ जाएगी, पर वो ऐप स्टोर सब कुछ साइन इन करने के बाद ही आप चलेगा। इसके अलावा मेजरली आपको यही ध्यान रखना है, अगर कोई इशू आ जाता है तो आपने कांटेक्ट करना है यहाँ पे फ्लिपकार्ट को सबसे पहले, और उसके बाद आपने जाना है एप्पल सर्विस सेंटर की तरफ, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, सबसे पहले बाय हटके के बारे में बता देता हूँ।
तो बाय हट की क्रोम एक्सटेंशन है जो कि यार आपके सेल के टाइम पे बहुत मददगार होने वाला है। तो प्राइस हिस्ट्री एक बहुत बढ़िया फीचर है, जैसे टीवी का रेट लेट से 14,000 रुपये चल रहा है और अब आपको देख रहे हैं कि यार पहले कितना लोएस्ट किया था, ताकि मैं भी जो रेट का खरीद रहा हूँ वो क्या सही प्राइस है या नहीं, तो आप इसके प्राइस हिस्ट्री से चेक कर पाएंगे। और इसके अलावा आप इसमें एक प्राइस ट्रैकर लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट लगा सकते हैं कि जैसे ही 11,000 का हो तो मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम बैक टू अपनी वीडियो पर मूव करते हैं। अब मेन बात यह है कि आपको फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद आपने 7 डेज़ की जो वारंटी आपको मिली हुई है उसको यूटिलाइज़ करते हुए जाना है एप्पल स्टोर पर, वहाँ जाके कंप्लेन करनी है। अगर जो भी अगर आपका कुछ ऐसा फ़ोन रिफर्बिश्ड होता है, कुछ इशू होता है, तो एप्पल आपकी डेफिनेटली यहाँ हेल्प करेगा। रिप्लेस यहाँ पे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट पहले आपको समझना ज़रूरी है कि आपका फ़ोन सही सलामत आया है नहीं, आपको फुल 1 साल की वारंटी मिल रही है नहीं मिल रही, तो वो चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखते हुए आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें और आगे ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।